नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के पहले टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में। कर्नाटक में कुछ ही दिन पहले इसका इनॉग्रेशन किया गया है और ये क्लस्टर क्यों बनाया गया है, किस तरह के खिलौने होंगे, क्या यहाँ प्लास्टिक खिलौने बनेंगे, ट्रेडिशनल टॉयज हैं और भारत के कौन कौन से फेमस टॉयज हैं, किस जगह पर हैं, उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी IQ UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जिसकी मदद से आप घर बैठकर इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराएगा। यहां पर कोई अलग अलग कोर्सेज नहीं है, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, जी नहीं, वी टीच एवरीथिंग। यहां पर 1500 से भी ज्यादा वीडियोस हैं इस कोर्स में और कोर्स में वीडियोस के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इन सभी फीचर्स को जानने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर studyiq.com वेबसाइट विजिट कीजिए। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं BS येडियुरप्पा। इन्होंने कुछ ही दिन पहले 9 जनवरी टू बी प्रिसाइज ये अनाउंसमेंट करा कि अब मेड इन कोप्पल टॉयज फेमस होंगे। और मेड इन कोप्पल क्यों, क्योंकि कोप्पल वो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में जहां पर ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने जा रहा है। तो इन्होंने इस तरह से भूमि पूजन करके और एक फंक्शन में इसका इनॉग्रेशन किया। तो 9 जनवरी को जो इसकी स्थापना करी गई है वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है और जगह का नाम है भानापुर। भानापुर है या भानपुर है, इवन आई एम नॉट 100% श्योर। अगर कोई कर्नाटका से है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि वो भानापुर है या भानपुर। अब इंग्लिश में लिखते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन पता नहीं चल पाता। ऑलराइट, चलिए, तो आप कोप्पल डिस्ट्रिक्ट याद रख लेंगे तो भी आपके लिए एक बार काफी होगा। तो ये भारत का पहला और सबसे बड़ा टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कहां पर स्थित है, कर्नाटका के ऑलमोस्ट सेंटर में, ये रहा बेंगलुरु, ये है कोप्पल। अगर आप कर्नाटका का डिवीजन मैप देखेंगे तो इसमें गुलबर्गा डिवीजन में ये वाला कोप्पल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर शेप का डिस्ट्रिक्ट है दिस इज कोप्पल। तो गुलबर्गा डिवीजन याद रख लेना, सेंट्रल नॉर्थ कर्नाटका अप्रोक्सीमेटली इसकी लोकेशन है। अब आते हैं हम इस टॉय क्लस्टर पर। तो कोप्पल में ये टॉय क्लस्टर बनने जा रहा है कर्नाटका सरकार और एक प्राइवेट कंपनी के पार्टनरशिप से। इसका कंपनी का नाम है एक्वस सेज प्राइवेट लिमिटेड। वैसे एक्वस नाम की जो एक कंपनी है ये एरोस्पेस में इन्वॉल्व है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन अब ये टॉयज में भी आ रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि 5,000 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, 1,00,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स आएंगी नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ये 400 एकड़ में फैला हुआ टॉय क्लस्टर होगा, टोटल 100 टॉय मेकिंग यूनिट्स यानी कि इतनी फैक्ट्रीज यहां पर लगेंगी और यहां पर सब कुछ होगा जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील या स्किल्ड लेबर, सभी चीजें यहां पर उपलब्ध हों इसका सरकार ध्यान रखेगी। इस क्लस्टर में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होगा और एक फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन होगा। कुल मिला के सरकार ध्यान रख रही है कि यहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो एक्सपोर्ट और देश में सेल दोनों की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। और इन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अलग अलग प्रकार के काम होंगे, खिलौने बनाने में, मॉडल मेकिंग, टूलिंग, मोल्डिंग, असेंबली, पेंटिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट, टेस्टिंग, इन सब की आवश्यकता होती है, तो ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हो सरकार इसका खास ख्याल रखेगी। इस क्लस्टर में इस तरह की बिल्डिंग्स भी होंगी जिसमें आप डायरेक्टली प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इनको प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कहते हैं। यानी कि मान लो मुझे कोई कंपनी खोलनी है, मुझे टॉय मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, अब मुझे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो तो भी मैं जाऊंगा यहां पर कर्नाटका सरकार को, कहूंगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, सरकार मुझे एक रेडीमेड सी फैक्ट्री देगी जिसमें मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल मुझे जाकर वहां अपने आदमी लगाकर और काम स्टार्ट करना है। तो ये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एक नया तरीका है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस प्रोजेक्ट से उम्मीद यह है कि जो पूरा टॉय मेकिंग चेन है, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेकर वेंडर्स तक, वो सब यहां पर एक ही स्थान पर मिल जाए और इससे इस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि गुलबर्गा डिवीजन जो है ये कर्नाटका के पिछड़े इलाकों में आता है, नॉर्थ कर्नाटका साउथ कर्नाटका के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है इकोनॉमिक मामले में या जितने भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं सभी में, तो इससे इस एरिया की इकोनॉमी को भी काफी फायदा मिलेगा। तो ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कर्नाटका की, उसके तहत लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ को प्रेफरेंस मिलेगी और प्रायोरिटी भी दी जाएगी उन्हें, किसमें, लोन देने में, लैंड जमीन देने में या फिर फाइनेंसिंग में, अगर उन्हें भी यूनिट स्थापित करनी है। कोप्पल की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह से, हर बड़े शहर से नजदीक है, बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों से लगभग 400 किलोमीटर की इसकी दूरी है, हुबली से 100 किलोमीटर, बेलगावी से 215 किलोमीटर, तो ये कोप्पल की खास बात है। और जो ये क्लस्टर है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर बन रहा है, प्रॉपर कोप्पल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं है। तो कोप्पल में वैसे रेल कनेक्टिविटी भी है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और रेल कनेक्टिविटी के कारण क्या होता है कि एक्सपोर्ट थोड़े सस्ते हो जाते हैं क्योंकि पोर्ट्स तक
एक्सपोर्ट करना काफी आसान हो जाएगा। तो चाहे मुंबई, गोवा, मेंगलुरु, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतुकुड़ी, इन सभी मेजर पोर्ट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी वाया ट्रेन। अभी तक सरकार 272 एकड़ जमीन को अक्वायर कर चुकी है तलबल विलेज के आसपास। ये तलबल विलेज जो है यहां पर कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्टली जमीन अक्वायर करी जा रही है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा और कुछ यूनिट्स तो इस साल के अंत तक काम करनी शुरू कर देंगी 2021 के एंड में। कर्नाटका सरकार के इस इनिशिएटिव में कई कंपनियां आगे बढ़कर उनका साथ दे रही हैं। 6 कंपनीज के साथ ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है। 1540 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ चुका है अकॉर्डिंग टू दीज एमओयू। इसमें सबसे बड़ा खुद एक्वेस ग्रुप है, तो एक्वेस ग्रुप ने ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद और भी कंपनीज हैं जैसे कि प्लेग्रो इंडस्ट्री, स्टर्लिंग न्यू हराइजन्स, हॉटशॉट टूलिंग एंड इंजीनियरिंग। अब नाम आपको याद रखने जरूरी नहीं है, अगर रखना हो तो केवल ये एक्वेस का नाम याद रखना। ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, इट इज एन इंडियन कंपनी, सबसे बड़ी बात। नाम चाहे आपको ऐसा लग रहा होगा फॉरेन का है, लेकिन यही कोप्पल के रहने वाले एक व्यक्ति ने इस कंपनी को चालू किया था और ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, लेकिन अब ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग में भी आएंगे। तो एक्वस इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, तो इनका ही सबसे बड़ा योगदान है और सरकार के साथ मिलकर इस टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को ये शुरू कर रहे हैं। भारत में जो टॉयज का मार्केट है वो एस्टिमेटेड है $1 बिलियन एनुअली, और इसमें से 60% हम इम्पोर्ट करते हैं। आप कोई भी खिलौने देखिए, ज्यादातर मेड इन चाइना होते हैं, है ना? आपने देखे ही होंगे, अपने बचपन में भी यूज किए होंगे खिलौने, तो आप जानते हैं कि चाइना से बहुत सारे खिलौने आते हैं। तो 60% भारत के खिलौनों की मांग दूसरे देशों से पूरी होती है। कर्नाटका भारत में तीसरा सबसे बड़ा टॉय मार्केट है अगर आप राज्यों को कंपेयर करें, और ऑलमोस्ट 10% ये देश के मार्केट का हिस्सा है। अभी टॉय मैन्युफैक्चरिंग भारत में 1200 करोड़ की होती है, और जब ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर शुरू हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट डबल होकर 2300 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो ऑलमोस्ट डबल तो डेफिनेटली होगा, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप समझ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट से भारत में ये इंडस्ट्री जस्ट डबल कर लेगी अपने आप को, इसीलिए इसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। अब कोप्पल टॉय क्लस्टर जो है ये प्लास्टिक के टॉयज बनाएगा, सबसे पहली बात ये याद रखना, क्योंकि कोप्पल कुछ ट्रेडिशनल टॉयज के लिए भी फेमस है, आगे बताता हूँ कौन से, लेकिन वो ट्रेडिशनल टॉयज यहाँ नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पर वही प्लास्टिक की बंदूकें, प्लास्टिक की गाड़ियाँ, खिलौने जो बच्चों को पसंद होती है आजकल, यही सब बनेगा यहाँ पर। मकसद क्या है कि हम चाइना से इंपोर्ट ना करके आत्मनिर्भर बने, भारत में ही इनका मैन्युफैक्चरिंग हो। और वैसे कर्नाटका सरकार हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। कर्नाटका ऑलरेडी तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है टॉय मैन्युफैक्चरिंग में। 18% CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इनकी 18% है 2010 और 17 के बीच में, और ऐसी उम्मीद है 2023 तक $310 मिलियन का ये मार्केट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी कर्नाटका राज्य में। तो कर्नाटका में वैसे हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, इन सब के लिए बहुत सारे जीआई टैग सरकार ने लाए हैं। कर्नाटका आई थिंक होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट जीआई टैग्स ऑल्सो। कई सारे खिलौनों को भी जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे चन्ना पटना टॉयज और डॉल्स, साथ ही साथ मैसूर सैंडल सोप। तो ये तो खिलौना नहीं है, लेकिन ये फेमस रिकॉल वैल्यू वाले जीआई टैग्स हैं। तो चन्ना पटना टॉयज, आगे भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह के ऐसे नजर आते हैं। तो ये वुडन टॉयज हैं जो मोस्टली मैसूर से शुरू हुए थे, तो इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। लकड़ी के खिलौने होते हैं, अब इन पे बहुत अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनती है, बहुत कुछ बनाया जाता है इनसे। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो ये 40 जीआई टैग हैं इनको प्रमोट किया जाए, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, इनके लिए मोबाइल ऐप तक लॉन्च करी है सरकार ने। तो जब से कर्नाटका में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, इनका फोकस ही रहा है कि बेंगलुरु को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी डेवलपमेंट ज्यादा हो। अभी क्या हो रहा है, कर्नाटका का डेवलपमेंट पिछले 20-30 सालों से इट हैज बिकम कंप्लीटली बेंगलुरु सेंट्रिक। सारा डेवलपमेंट साउथ कर्नाटका में हो रहा है, बेंगलुरु शहर के 50-100 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन अब जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका टारगेट ये है कि Tier 2, Tier 3 सिटीज जैसे कि कोप्पल, वहां पर भी डेवलपमेंट हो, और नॉर्थ कर्नाटका पर मेजर फोकस है। अब कोप्पल की खास बात क्या है, इसको क्यों सिलेक्ट किया गया है, एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल रीजन भी है। यहां पर ऑलरेडी ट्रेडिशनल किन्नल टॉयज बनते हैं, लेकिन ये लकड़ी के खिलौने होते हैं, ये प्लास्टिक के नहीं होते हैं। किन्नल टॉयज विजयनगर एम्पायर के समय ओरिजिनेट हुए हैं ऐसा बताया जाता है, और इनको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है 2012 से। किन्नल टॉयज टॉय मेकर्स वुड क्राफ्ट बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बनती है, भगवान के जो पालकी होती है, पालकी बनती है, भगवान की मूर्तियां होती है, टेम्पल कार्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, और भगवान की मूर्तियां तो है ही। तो ये एक एग्जांपल है किन्नल टॉयज का, जो यहां पर आपको दुकानदार लेकर दिख रहा है बैठा है। इसके खिलौने आप देखिए, ये सब फ्रूट्स हैं जो ऑलमोस्ट रियल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन पर पेंट और इनकी जो कार्विंग है वो इतनी अच्छी है। तो किन्नल टॉयज ट्रेडिशनल टॉयज हैं कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के, ये याद रखिएगा। लेकिन अब क्या है कि इन टॉय मैन्युफैक्चरर्स के साथ बहुत, आप कहें बुरा हो रहा है, प्रकृति इनके साथ बुरा कर रही है। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार अकाल पड़ता है, लकड़ी की कमी पड़ जाती है, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन के समय इनको बहुत नुकसान हुआ था, COVID-19 पैंडेमिक के कारण इनको बहुत नुकसान हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बंद, सारी सप्लाई चेन ठप पड़ गई कई महीनों के लिए। तो इनके साथ लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही है।
तो किन्नर टॉय मेकर्स की हालत पिछले कुछ सालों में काफी खराब हुई है, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो इन पर अफेक्ट डायरेक्टली आता है। तो अब ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये टॉय मेकिंग का काम ही छोड़ दिया था, तो अब किन्नर टॉय मेकर्स ने थोड़ा सा वुड यूज करना, नए तरीके का हार्डवुड यूज करना शुरू किया है। पहले केवल ये लाइट वुड इस्तेमाल करते थे, अब हार्डवुड भी इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर्स की चॉइस वही है। कलर्स इन्होंने ट्रेडिशनल की जगह अब ऑयल पेंट्स करना शुरू कर दिया, जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लोगों के लिए, इससे ज्यादा शाइन भी आती है, तो ये कलर्स का अब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अब देखो टॉय मेकिंग जैसी ट्रेडिशनल आर्ट में बहुत सारे लोग नई जनरेशन के आना नहीं चाहते, तो अब केवल 20 परिवार हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, सिर्फ 60 आर्टिसंस हैं। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, भारत जैसे देश में केवल 60 लोग इस कला को जीवित रखे हुए हैं। तो ट्रेडिशनल आर्ट्स की हर जगह वैसे यही हालत है, और बहुत सारे रीजन रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट डिमोनेटाइजेशन, दैट वाज आल्सो अ बिग रीजन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण ट्रेडिशनल आर्ट्स सफर कर रहे हैं। तो अब ऐसी उम्मीद है कि जब ये प्लास्टिक टॉयज बनाने का क्लस्टर आएगा, तो हो सकता है कि किन्नर टॉयज की भी डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हो सकता है वो इसमें पैसा कमाकर फिर किन्नर टॉयज में भी थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो जाए, इन्वेस्टमेंट आए, तो ऑब्वियसली देर विल बी सम बेनिफिट्स। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार अभी फोकस अपना इस क्लस्टर में प्लास्टिक टॉयज पर कर रही है, किन्नर टॉयज पर अभी फोकस नहीं है। लेकिन अब कर्नाटका को देखकर कई और राज्य भी हैं जो इस तरह के टॉय पार्क्स या टॉय क्लस्टर्स, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स खोलना चाहते हैं। तो इस तरह की आंध्र प्रदेश में भी चर्चा चल रही है, वहां पर भी इस तरह का पार्क बनेगा या नहीं, देखते हैं आने वाले कुछ दिन में। अब मैं आपको कुछ भारत की प्रोमिनेंट पुरानी जो ट्रेडिशनल टॉयज हैं उनके बारे में बता दूं, तो कोंडापल्ली टॉयज ये होते हैं, कोंडापल्ली गांव कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ये बनते हैं एक लोकल सॉफ्ट फूड जिसका नाम है पॉनकी, और इससे एक टॉय बनता है अंबारी हाथी। चन्नापटना टॉयज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इनका ओरिजिन बताया जाता है टीपू सुल्तान के समय 18 सेंचुरी में, सैंडलवुड से बनते हैं बहुत सारे ये। फिर मारापच्ची डॉल्स तिरुपति के आसपास बनती हैं, ये दी जाती हैं फ्रॉम मदर टू डॉटर। उसके बाद रेड सैंडलवुड या फिर सिल्क कॉटन वुड से इनको बनाया जाता है, और गोलू फेस्टिवल में इनको या दशहरा नवरात्रि में यूज किया जाता है। राजस्थान की कठपुतली पपेट थिएटर्स में इनको, फोक थिएटर में इनको यूज किया जाता है। निर्मल टॉयज हैं, तेलंगाना के निर्मल जगह का नाम है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये भी लकड़ी के खिलौने हैं, पेंटिंग्स भी होती हैं, और इनमें कलर्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल देखा जाता है। इंदौर के लेदर टॉयज भी काफ़ी फेमस हैं, और उसके बाद थंजावुर डॉल्स ये हैं थंजावुर तमिलनाडु में, एटिकोपक्का टॉयज ये हैं आंध्र प्रदेश से, विशाखापट्टनम के पास में एटिकोपक्का नाम की जगह है, वहां पर बनते हैं, और ये जो लकड़ी इस्तेमाल होती है इसका नाम होता है अंकुडू, ठीक है, ये वाइशिया टिंक्टोरिया ट्री से बनती है, नाम याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो कम से कम जगह का नाम याद रख लो, एटिकोपक्का टॉयज विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश में। फिर वाराणसी के वुडन टॉयज हैं, इनको भी देखो सब लगभग सब जगह वुडन टॉयज ही हैं, बस आप थोड़ा सा पैटर्न देखते रहिए, फोटोज मैं इसीलिए डालता हूँ ताकि आपको याद रहे अप्रोक्सीमेटली कि किस तरह का टॉय था। तो यहाँ पर भी अलग अलग फिगरीन्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, भगवान हैं, सब बनता है, और जो लकड़ी यूज होती है यहाँ पर वो चित्रकूट के जंगलों से आती है, चित्रकूट और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यूपी के, वहां से लकड़ी आती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोरखपुर टेराकोटा, इसको भी जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा, गोरखपुर के भाटा एरिया से ये आता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।